नमस्कार दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है मेजरमेंट सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, जो कि हमारा 5 कोर टूल में से एक कोर टूल भी है और साथ साथ पीपैप का डॉक्यूमेंट भी है दोस्तों। तो बेसिकली जब भी हम एमएसए करते हैं तो एक कॉमन सा सवाल जरूर होता है कि हम एमएसए किसका कर रहे हैं, गेज का कर रहे हैं या किसी ऑपरेटर का, किसी कंपोनेंट का या किसी मशीन का कर रहे हैं। तो जब भी हम एमएसए करते हैं वो हम किसी गेज का एमएसए करते हैं दोस्तों। कब करते हैं? जब भी हम कोई नया इंस्ट्रूमेंट या गेज जब भी हम परचेज करते हैं तो उसको यूज करने से पहले हम एमएसए करते हैं दोस्तों उसका, या फिर हम जब भी हम एसपीसी कर रहे हैं दोस्तों तो एसपीसी करने से पहले एमएसए करते हैं। क्यों करते हैं दोस्तों? क्योंकि हम एसपीसी में हम प्रोसेस का वेरिएशन चेक करते हैं और एमएसए में हम गेज का वेरिएशन चेक करते हैं। दोस्तों अगर हमारा गेज का वेरिएशन ही ज्यादा होगा तो वो प्रोसेस के वेरिएशन में ऐड हो जाएगा और प्रोसेस का वेरिएशन को ज्यादा बताएगा दोस्तों। इसलिए एसपीसी करने से पहले एमएसए करना जरूरी होता है। और एमएसए जो है दोस्तों आईटीएफ की रिक्वायरमेंट भी है, आईटीएफ इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स, जो कि हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का लेटेस्ट स्टैंडर्ड भी है और आईटीएफ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में भी यूज होता है दोस्तों। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आईटीएफ में एमएससी की नई रिक्वायरमेंट ऐड हुई है। आईटीएफ से जो पहले हमारा स्टैंडर्ड था आईएसओ टीएस 16949, उसमें भी एमएससी की रिक्वायरमेंट है। और आईएसओ टीएस से पहले जो हमारा स्टैंडर्ड था क्यूएस 9000, उसमें भी दोस्तों एमएससी की रिक्वायरमेंट को दिया हुआ है। दोस्तों क्या कहता है एमएसए? काफी लंबे समय से चला रहा है दोस्तों, इसलिए काफी इंपोर्टेंट टॉपिक भी है और थोड़ा ध्यान से समझे दोस्तों। क्या कहता है हमारा आईटीएफ? इन एमएसए स्टडी शैल बी कंडक्टेड टू एनालाइज द वेरिएशन प्रेजेंट इन द रिजल्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ इंस्पेक्शन एंड मेजरमेंट एंड इक्विपमेंट। दोस्तों ये कह रहा है कि हम जब भी किसी भी प्रकार का इंस्पेक्शन करते हैं या मेजरमेंट करते हैं तो हम उसमें चेक करते हैं कि हमारा उस मेजरमेंट में कितना वेरिएशन प्रेजेंट है, एक्सेप्टेबल लिमिट में है या बाहर है। दोस्तों वेरिएशन तो प्रेजेंट रहता ही है प्रोसेस में, उसको जीरो नहीं कर सकते लेकिन उसको कम जरूर कर सकते हैं। इसलिए हम उसमें चेक करते हैं कि जो वेरिएशन जो प्रेजेंट है क्या वो हमारा एक्सेप्टेबल लिमिट में है या नहीं है। और दोस्तों एक बात काफी इंपॉर्टेंट कि जब भी हम आईटीएफ स्टैंडर्ड की पढ़ते हैं तो कहीं भी अगर आईटीएफ में अगर आपको शैल लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब वह है कि आप वो रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है, आपको फुलफिल करनी ही करनी है दोस्तों। दोस्तों बात करते हैं मेजरमेंट सिस्टम की। तो जब भी हम मेजरमेंट करते हैं दोस्तों, मेजरमेंट क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करना मेजरमेंट कहलाता है दोस्तों, ठीक है। और सिस्टम क्या होता है? जब भी मेजरमेंट करने के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट होता है दोस्तों, जैसे कि हम प्रोसीजर हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, ऑपरेटर हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, प्रोडक्ट हो गया, जो रिक्वायरमेंट होता है वो सब मिलकर क्या बनता है दोस्तों? एक सिस्टम बनता है। चलिए थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये कह रहा है कि मेजरमेंट एज ए प्रोसेस, कि मेजरमेंट करना भी दोस्तों एक प्रोसेस है। कैसे दोस्तों? जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो हमें स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट होती है, ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट होती है, इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट होती है और प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों। तो जो हमें रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों वो सब मिलकर क्या बनता है दोस्तों? सिस्टम बनता है। और इनका सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए हम जो एक्टिविटी करते हैं, अगर मेजरमेंट की एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो मेजरमेंट प्रोसेस हो जाएगा दोस्तों। अगर हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो वो रिक्रूटमेंट हो जाएगा दोस्तों। मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो जाएगा दोस्तों। कैलिब्रेशन कर रहे हैं तो वो कैलिब्रेशन प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोसेस में क्या होता है दोस्तों? इनपुट होता है और इनपुट को कुछ एक्टिविटी करने के बाद इनपुट हमारा आउटपुट में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो मेजरमेंट प्रोसेस में क्या हो जाएगा दोस्तों? जो प्रोडक्ट है वो हमारा एज ए इनपुट हो जाएगा और जो आउटपुट निकलेगा दोस्तों वो निकलेगा हमारा मेजरमेंट रिजल्ट, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मेजरमेंट प्रोसेस। दोस्तों जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो हम मेजरमेंट में क्या चेक करते हैं? वेरिएशन, ठीक है। वेरिएशन आते कहां से हैं? अपना नेक्स्ट टर्म है सोर्स ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन आते कहां से हैं? तो सबसे पहले है डिजाइन। जब भी हम डिजाइन करते हैं प्रोसेस का और प्रोडक्ट का तो वहां भी वेरिएशन प्रेजेंट होता है। उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग। जब भी हम पार्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहां भी दोस्तों वेरिएशन प्रेजेंट होता है। 4M, जैसे कि मैन, मशीन, मटेरियल और मेथड, यहां भी वेरिएशन प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। प्रोसेस का भी वेरिएशन प्रेजेंट रहेगा दोस्तों, जितना लंबा प्रोसेस रहेगा उतना ज्यादा वेरिएशन प्रोसेस में प्रेजेंट रहेगा। और उसके बाद है दोस्तों टूल्स, मशीन के टूल्स में भी वेरिएशन होता है दोस्तों। जिग्स और फिक्स्चर, मशीन का जो जिग्स है फिक्स्चर है, वहां भी दोस्तों वेरिएशन प्रेजेंट रहेगा दोस्तों। तो ये सब मिलकर दोस्तों ये सारा वेरिएशन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ऐड होता है दोस्तों। जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो ये सारा वेरिएशन वहां भी ऐड रहता है दोस्तों। उसके बाद है मेजरमेंट, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं अभी। मेजरमेंट हम दोस्तों किससे करते हैं मेजरमेंट? गेज से करते हैं या इंस्ट्रूमेंट से करते हैं मेजरमेंट? तो हमारा गेज में एक्यूरेसी नहीं होगी, प्रिसाइज नहीं होगा हमारा इंस्ट्रूमेंट और स्टेबल नहीं होगा, तो वहां भी दोस्तों वेरिएशन प्रेजेंट रहेगा दोस्तों। तो हम क्या चेक करेंगे फिलहाल मेजरमेंट में? हम क्या चेक करेंगे? एक्यूरेसी चेक करेंगे, प्रिसीजन चेक करेंगे और स्टेबिलिटी चेक करेंगे दोस्तों।
दोस्तों नेक्स्ट टर्म है अपनी प्रॉपर्टीज ऑफ गुड मेजरमेंट सिस्टम। एक अच्छा मेजरमेंट सिस्टम हम किसे कहेंगे? पहला पॉइंट है मेजरमेंट सिस्टम हैज एडिक्वेट सेंसिटिविटी। इसका मतलब यह है दोस्तों, जब भी हम मेजरमेंट करने के लिए जो भी हम इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन करते हैं वो टोटल टॉलरेंस का, उसका जो इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है वो टोटल टॉलरेंस का 1/10 होना चाहिए दोस्तों। इसलिए हम इसको 10:1 रूल भी कहते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, मान लीजिए कोई डायमीटर है 10 प्लस माइनस टॉलरेंस दी हुई है 0.05 mm, तो टोटल टॉलरेंस हमारी क्या है 0.1 mm हो जाएगी दोस्तों। प्लस 0.05 और माइनस 0.05, दोनों तरफ 0.05 की टॉलरेंस है प्लस में भी और माइनस की, तो टोटल टॉलरेंस क्या हो जाएगी 0.01। इसका हम 1/10 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 0.01 mm। इसका मतलब यह है दोस्तों, जब भी हम इस तरह के डायमीटर या इस तरह के डायमेंशन को चेक करेंगे जिसकी टॉलरेंस 0.05 mm प्लस माइनस हो, तो वहां पर हम 0.01 mm वाला इंस्ट्रूमेंट ही यूज करेंगे जिसका लीस्ट काउंट 0.01 mm या उससे कम हो दोस्तों। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा मेजरमेंट सिस्टम मस्ट बी इन स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। दोस्तों जो कोई प्रोसेस होता है हमारा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, तो वहां दोस्तों दो कोज प्रेजेंट होते हैं हमेशा। पहला कोज है स्पेशल कोज, दूसरा कोज है कॉमन कोज। तो दोस्तों जब भी कोई प्रोसेस होता है तो इसका वो हमारा स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि प्रोसेस में स्पेशल कोज प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, जो हमारा प्रोसेस है वो सिर्फ कॉमन कोज की वजह से ही होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और प्रोसेस में हम स्पेशल कोज को तो एलिमिनेट कर सकते हैं दोस्तों, और लेकिन कॉमन कोज को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते दोस्तों। इसलिए जो प्रोसेस है उसमें स्पेशल कोज नहीं होने चाहिए। स्पेशल कोज का मतलब यह है दोस्तों, इसका मतलब यह है जो कोई जब भी कोई प्रॉब्लम लाइन पे आती है तो वो प्रॉब्लम अगर शॉप फ्लोर की टीम मिलके उसको सोल्व कर लेती है तो वो स्पेशल कोज हो जाएगा दोस्तों। और कॉमन कोज वो होता है दोस्तों, जब जब किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें मैनेजमेंट की सहायता लेनी पड़े तो वो होता है दोस्तों कॉमन कोज। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं मेजरमेंट सिस्टम वेरिएशन की। मेजरमेंट सिस्टम में हम क्या चेक करेंगे? एक्यूरेसी चेक करेंगे, स्टेबिलिटी चेक करेंगे और प्रिसीजन चेक करेंगे दोस्तों। दोस्तों जो एक्यूरेसी में क्या चेक करेंगे हम, लीनियरिटी चेक करेंगे और बायस चेक करेंगे इंस्ट्रूमेंट का, और स्टेबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, एक्यूरेसी और स्टेबिलिटी जो है दोस्तों हम कैलिब्रेशन में ही हम कवर कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, कैलिब्रेशन करते टाइम हम एक्यूरेसी और स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं, और जो प्रिसीजन है जिसको हम रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी चेक करते हैं, जिसको हम बोलते हैं गेज R&R, ये दोस्तों हम अलग से एक्टिविटी करते हैं गेज R&R की। ठीक है, चलिए एक्यूरेसी समझते हैं। एक्यूरेसी क्या है? मेजर्ड वैल्यू नियर द टारगेट वैल्यू दोस्तों, या रेफरेंस वैल्यू भी बोल सकते हैं। मतलब ये दोस्तों कि जब भी हम कोई वैल्यू या कोई डायमेंशन मेजर करते हैं दोस्तों, तो वो जो मेजर्ड वैल्यू है वो टारगेट के कितना नजदीक है, यानी कि मीन लाइन से कितना नजदीक है। ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा? एक्यूरेसी हो जाएगा दोस्तों। प्रिसीजन क्या हो जाएगा दोस्तों? नंबर ऑफ मेजर्ड वैल्यू क्लोज टू ईच अदर। तो दोस्तों हम नंबर ऑफ टाइम्स जब हम मेजरमेंट करते हैं दोस्तों, ठीक है, तो वो जो नंबर ऑफ वैल्यूज निकल के आती है तो वो एक दूसरे से कितना क्लोज में है दोस्तों, चाहे सेंटर के क्लोज में ना हो, मीन लाइन मीन से चाहे दूर हो, लेकिन एक दूसरे से कितना क्लोज में है वो हमारे क्या हो जाएगा? प्रिसीजन हो जाएगा दोस्तों। चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं कुछ एग्जांपल के साथ। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, डाया 10 मीटर का जो डाया है, 10 mm का जो डायमीटर है, टॉलरेंस है प्लस माइनस 0.1 की, जो कि हमारा 9.9 से 10.1 तक एक्सेप्टेबल में लिमिट में है। तो इस डायमेंशन को एग्जांपल लेते हुए मैं आपको थोड़ा कुछ एग्जांपल समझा रहा हूं एक्यूरेसी और प्रिसीजन के। तो दोस्तों पहली कंडीशन क्या है? एक्यूरेट और प्रिसाइज। एक्यूरेट और प्रिसाइज कब होगा? मान लीजिए हमने 10 mm के डायमीटर को 10 times चेक किया दोस्तों। ठीक है, और हमारी एक वैल्यू कैलकुलेट निकल के आई है 9.99, 9.98, 10.01, 9.97, ये जो आपको वैल्यू दिखाई दे रही है ये, तो ये क्या है दोस्तों? मीन से भी काफी क्लोज में है, जो हमारा मीन है 10 mm, यहां भी मीन से भी काफी क्लोज में है दोस्तों। ठीक है, और एक दूसरे से भी दोस्तों काफी क्लोज में है, 9.98, 9.99, 10.0, 10.0, 9.97, ये एक दूसरे से भी काफी क्लोज में है दोस्तों। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी दोस्तों? एक्यूरेट। इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है दोस्तों। ठीक है, एक्यूरेट इसलिए है क्योंकि मीन से नजदीक में है, और जो प्रिसाइज है वो ये कह रहा है कि ये एक दूसरे से भी क्लोज में है दोस्तों। जो ये आपको एग्जांपल दिखाई दे रहा है यहाँ पर सर्कल में, ये जो प्लस पॉइंट है इसका मतलब है मीन, और जो ये ब्लू डॉटेड पॉइंट है इसका मतलब है ये हमारी क्या है? ऑब्जर्व वैल्यू दोस्तों। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है दोस्तों? प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। मतलब प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो हमारा मीन से काफी दूर में है, जो वैल्यू हमारी मेजरमेंट करी हमने, तो हमारी जो वैल्यू आई है 9.91, 9.90, ये क्या है दोस्तों?
ये सेंटर से काफी दूर में है दोस्तों, 10 जो हमारा मीन है 10 वहां से काफी दूर में है, और लेकिन एक दूसरे के पास में है, जैसे कि 9.91, 9.90, 9.91, 9.92, ये एक दूसरे से भी काफी क्लोज में है। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि इट मींस प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। इसका मतलब हमारा ये प्रिसाइज है इंस्ट्रूमेंट लेकिन एक्यूरेट नहीं है दोस्तों। एक्यूरेट इसलिए नहीं है क्योंकि सेंटर से यानी कि मीन से काफी दूर में है दोस्तों, ठीक है। और प्रिसाइज इसलिए है क्योंकि एक दूसरे से जो वैल्यू है एक दूसरे से काफी क्लोज में है, ठीक है। तीसरी कंडीशन है दोस्तों हमारी प्रिसाइज एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज, मतलब एक्यूरेट तो है इंस्ट्रूमेंट लेकिन प्रिसाइज नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों, जो वैल्यू है हमारी वो हमारी एक दूसरे से काफी क्लोज में नहीं है दोस्तों, काफी दूर दूर में है, जैसे कि 9.97 है, दूसरा 10.04 है, फिर 9.98 है, फिर 9.96 है, 9.95 है, सॉरी 10.05 है। ये क्या कह रहा है दोस्तों कि जो हमारी जो वैल्यू है वो एक दूसरे से तो काफी क्लोज में है, जैसे कि यहाँ एग्जांपल आपको डायग्राम में दिखाया गया है जो मीन से है, मीन के मीन से तो पास में है दोस्तों, ये 10 के आसपास तो है लेकिन एक दूसरे से काफी क्लोज में है दोस्तों, काफी क्लोज में नहीं है सॉरी, एक दूसरे से काफी दूर में है दोस्तों। इसलिए तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट तो है यानी कि जो वैल्यू है वो सेंटर के पास तो है लेकिन प्रिसाइज नहीं है, एक दूसरे के पास नहीं है दोस्तों। अगला है दोस्तों फोर्थ कंडीशन क्या है, नाइदर बी एक्यूरेट नोर बी प्रिसाइज। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है जो मेजरमेंट वैल्यू है दोस्तों वो ना तो सेंटर के पास में है और ना ही एक दूसरे के पास में है दोस्तों। जो वैल्यू आई है हमारी 9.89 आई है, फिर 9.95, फिर 9.92, फिर 10.11, फिर 9.99, फिर 10.08। तो ये क्या दिखा रहा है दोस्तों, ये कह रहा है कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो ना तो एक्यूरेट है और ना ही प्रिसाइज है। एक्यूरेट इसलिए नहीं है क्योंकि सेंटर से वैल्यू जो है वो काफी दूर दूर में है, और प्रिसाइज इसलिए नहीं है क्योंकि एक दूसरे के आसपास भी नहीं है दोस्तों। दोस्तों आई होप कि आपको एक्यूरेट और प्रिसीजन दोनों समझ में आए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट टर्म है इज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन आर द सेम, मतलब कि दोस्तों अगर हमारे मेजरमेंट सिस्टम में एक्यूरेसी एरर प्रेजेंट होगा तो क्या होगा और प्रिसीजन एरर प्रेजेंट होगा तो क्या होगा। दोस्तों ये कह रहा है कि इज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन आर द सेम, नो क्यों नहीं है दोस्तों। इफ मेजरमेंट सिस्टम हैज एक्यूरेसी एरर, अगर मेजरमेंट सिस्टम में एक्यूरेसी एरर होगा देन इट विल बी क्रिएट लोकेशन एरर इन मेजरमेंट रिजल्ट। अगर हमारा मेजरमेंट रिजल्ट में एक्यूरेसी एरर प्रेजेंट होगा तो ये लोकेशनल एरर दिखाएगा दोस्तों। कैसे दिखाएगा, मान लीजिए जो ये लाइन दिखाई दे रही है आपको बेल कर्व शेप में, तो ये लाइन दिखाई दे रही है, ये हमारा जो मेजरमेंट सिस्टम का जो है एक्चुअल वेरिएशन है दोस्तों, ठीक है। लेकिन जब भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं, जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो दोस्तों जो ये डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है यहाँ पे बेल कर्व में, ये वो यहां बता रहा है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि एक्चुअल वेरिएशन तो यहां है लेकिन जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो लोकेशन के हिसाब से यहां बता रहा है, ठीक है। तो जो ये डिफरेंस हो जाएगा दोस्तों ये क्या हो जाएगा, हमारा लोकेशनल एरर, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल वेरिएशन यहां है लेकिन लोकेशन के हिसाब से वो यहां बता रहा है दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब ये है लोकेशनल एरर प्रेजेंट है मेजरमेंट सिस्टम में। अगर दूसरा टर्म है दोस्तों इफ प्रिसीजन एरर प्रेजेंट इन द मेजरमेंट रिजल्ट, अगर प्रिसीजन एरर प्रेजेंट होगा हमारे मेजरमेंट रिजल्ट में तो ये क्या होगा दोस्तों, स्प्रेड एरर शो करेगा दोस्तों। कैसे शो करेगा, मान लीजिए जो ये लाइन दिखाई दे रही है आपको ये वाली इधर से बेल कर्व में, ये कह रहा है हमारा ये एक्चुअल वेरिएशन है लेकिन जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो जो ये डॉटेड लाइन है वो यहां पे शो कर रहा है दोस्तों, ठीक है। इसका स्प्रेड थोड़ा ज्यादा हो गया, जो फैला हुआ है दोस्तों वो थोड़ा ज्यादा हो गया, इसलिए जो ये डिफरेंस है वो क्या कह रहा है, स्प्रेड एरर शो कर रहा है दोस्तों। जो ये डिफरेंस जो ये डिफरेंस शो हो रहा है ये क्या शो कर रहा है दोस्तों, स्प्रेड एरर शो कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपको प्रिसीजन एरर और एक्यूरेसी एरर दोस्तों। दोस्तों अब बात करते हैं बायस और लिनियरिटी की। बायस क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एवरेज वैल्यू, ध्यान रखना दोस्तों एवरेज वैल्यू की बात करता है ये, सिंगल वैल्यू की नहीं, ऑब्जर्व्ड एवरेज वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए ये कोई हमारे ट्रू वैल्यू है, ठीक है, या एक्चुअल वैल्यू है, और जब हमने इसको मेजरमेंट किया बार बार तो जो एवरेज आया वो यहां है एवरेज, ठीक है। तो जो ये हमारा डिफरेंस है ये क्या हो जाएगा दोस्तों, बायस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब कह रहे हैं लीनियरिटी, लीनियरिटी क्या कहता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द बायस वैल्यू ओवर द एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग रेंज ऑफ द मेजरमेंट गेज। ये कह रहा है कि अगर हम बायस को कंप्लीट ऑपरेटिंग रेंज पे चेक करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लीनियरिटी हो जाएगा दोस्तों। अब हम बायस को और लीनियरिटी को कुछ एग्जांपल से डिटेल में समझते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों बायस और लीनियरिटी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सो जब भी हम बायस और लीनियरिटी चेक करते हैं तो हम किससे चेक करते हैं, किसी रेफरेंस वैल्यू से, और रेफरेंस वैल्यू हम किसको लेते हैं, स्लिप गेज को लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि जो स्लिप गेज का जो लीस्ट काउंट है वो एक तो बहुत ही कम होता है 0.01 mm या 10 माइक्रोन, ठीक है। और जब भी हम स्लिप गेज को कैलिब्रेट करते हैं, ठीक है,
तो वो बहुत ही हाईली एक्यूरेसी और बहुत ही हाईली प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट से कैलिब्रेट करते हैं दोस्तों। और जब भी कैलिब्रेट करते हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं जिसका इंस्ट्रूमेंट बहुत ही कम हो दोस्तों, लाइक CMM। दोस्तों CMM का लीस्ट काउंट कितना होता है, 1 माइक्रोन से भी कम होता है, यानी कि 1 माइक्रोन का 10वां हिस्सा होता है CMM का लीस्ट काउंट। अगर 1 माइक्रोन, इसका मतलब दोस्तों ये है कि CMM अगर एक स्लिप गेज में 1 माइक्रोन से भी कम का एरर जो प्रेजेंट होगा उसको भी CMM उसको कैप्चर कर लेगी दोस्तों, ठीक है। इसलिए हम रेफरेंस वैल्यू हम स्लिप गेज को ही मानते हैं, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए हम किसी वर्नियर का, किसी DVC का हम कैलिब्रेशन कर रहे हैं दोस्तों, और उसका हम बायस होलिनिटी चेक करना है दोस्तों। तो दोस्तों बायस क्या कहता है, बायस कहता है इट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एवरेज वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब ये कह रहा है कि दोस्तों ये सिंगल पॉइंट पे चेक करने की बात कर रहा है दोस्तों, ठीक है। हम किसी सिंगल पॉइंट पे चेक करते हैं ट्रू वैल्यू को, ठीक, और उसका जो डिफरेंस आता है वो हमारे बायस हो जाता है। और लीनिटी क्या करता है, कंप्लीट ऑपरेटिंग रेंज पे, लीनिटी बात करता है हम उसको कंप्लीट ऑपरेटिंग रेंज पे चेक करें। मान लीजिए हम बायस चेक कर रहे हैं 20 mm पे, हमारा जो DVC हमने उसको 20 mm पे चेक किया दोस्तों, या हमने रेफरेंस वैल्यू ली 20 mm, तो 20 mm को कितना बता रहा है हमारा DVC। जब भी हम 20 mm रेफरेंस वैल्यू चेक करते हैं तो हमारा DVC रीडिंग बता रहा है 19.99। तो दोस्तों जो ये डिफरेंस है ये क्या हो जाएगा हमारा 0.01 mm का, तो 10 माइक्रोन का जो डिफरेंस है वो हमारा क्या हो जाएगा, बायस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों लीनियरिटी की, ठीक है। मान लीजिए हमारा वर्नियर है, DVC चेक के कैलिफिन कर रहे हैं, जो कि हमारा 300 mm लेंथ है वर्नियर की, 300 mm तक का मेजरमेंट करता है, ठीक है। अब लीनियरिटी क्या करें दोस्तों, कंप्लीट ऑपरेटिंग रेंज, हम बायस को अगर कंप्लीट ऑपरेटिंग रेंज पे चेक करें तो हमारा लीनियरिटी हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों लीनियरिटी में दो कंडीशन होता है, पहला होता है नॉन लीनियर, ठीक है, नॉन लीनियर, ठीक है। हम पहले कंडीशन में बात करेंगे नॉन लीनियर पे, ठीक है दोस्तों। तो मान लीजिए हमने रेफरेंस वैल्यू ली 20 mm और वर्नियर उसको रीडिंग बता रहा है हमारा 19.99, फिर हमने रेफरेंस वैल्यू को बढ़ा दिया 50 mm कर दिया, रीडिंग बता रहा है 49.97, फिर हमने रेफरेंस वैल्यू को बढ़ा दिया 100 mm कर दिया, हमारा वर्नियर रीडिंग बता रहा है 99.96, फिर हमने रेफरेंस वैल्यू को और बढ़ा दिया, फिर हम चेक कर रहे हैं 150 mm पे तो हमारा वर्नियर बता रहा है 149.95, ठीक है। फिर हमने रेफरेंस वैल्यू को और बढ़ा दिया 200 mm कर दिया तो 200 mm को रीडिंग बता रहा है 199.94, फिर हमने 300 mm कर दिया दोस्तों, फिर 300 mm पे बता रहा है 299.92 दोस्तों ये क्या हो गया हमारा, हमने बायस को कंप्लीट ऑपरेटिंग रेंज पे चेक कर लिया, ठीक है दोस्तों। अलग अलग ऑपरेटिंग रेंज का इस्तेमाल करते हुए हमने इसको हमारे डीवीसी की पूरी 300 mm लेंथ को हमने कवर कर लिया दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हमने एक क्या हुआ हमारा, जो हमारी रेफरेंस वैल्यू तो है वो लगातार बढ़ रही है दोस्तों, ठीक है, लेकिन जो मेजरमेंट वैल्यू है दोस्तों वो कम होती जा रही है। जैसे ही हमारा रेफरेंस वैल्यू बढ़ रही है, मेजरमेंट वैल्यू उतनी ही कम हो जा रही है दोस्तों। जैसे कि यहां पर 10 माइक्रोन कम थी, यहां पर 30 माइक्रोन कम हो गई, यहां पर 40 माइक्रोन कम हो गई, यहां पर 50 माइक्रोन कम हो गई, यहां पर 60 माइक्रोन कम हो गई और यहां पर 80 माइक्रोन कम हो गई दोस्तों, ठीक है। तो जो हमारा ग्राफ बनेगा दोस्तों वो इस तरीके का बनेगा, मान लीजिए ये हमारी इस साइड रेफरेंस वैल्यू है और ये इस साइड हमारी मेजरमेंट वैल्यू है दोस्तों। अगर हमारी रेफरेंस वैल्यू बढ़ रही है दोस्तों लगातार, मान लीजिए ये तो हमारी रेफरेंस वैल्यू लगातार बढ़ रही है, लेकिन जैसे ही हमारी रेफरेंस वैल्यू बढ़ रही है हमारी ये जो मेजरमेंट वैल्यू है दोस्तों वो कम होती जा रही है, इधर ऐसे लगातार जो ये कम होती जा रही है दोस्तों। तो डिफरेंस है दोस्तों, ये डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा, नॉन लीनियर कहलाएगा, ठीक है, जो कि नॉट एक्सेप्टेबल है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। दूसरी कंडीशन है लीनियरिटी की, LINEAR, ठीक है। दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन हमारी नॉन लीनियर थी, नॉन लीनियर, और दूसरी कंडीशन है हमारी लीनियर, ठीक है। मान लीजिए हमने 20 mm को चेक किया और हमारा DVC रीडिंग बता रहा है 19.99, फिर हमने रेफरेंस वैल्यू को बढ़ा दिया, हमारी रीडिंग बता रहा है 49.99, फिर हमने रेफरेंस वैल्यू को बढ़ा दिया है, फिर हमारी DVC रीडिंग बता रहा है 19.99, फिर हमने रेफरेंस वैल्यू को फिर बढ़ा दिया 150 mm कर दिया, रीडिंग बता रहा है हमारा DVC 149.99, फिर हमने रेफरेंस वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा दिया 200 mm कर दिया, 200 mm की रीडिंग को बता रहा है 199.99 दोस्तों, ठीक है। फिर हमने रेफरेंस वैल्यू को 200 से 300 mm कर दिया, बढ़ा दिया रेफरेंस वैल्यू को, फिर जो कि हमारा बता रहा है 299.99 दोस्तों। यहां पर क्या है, लीनियर कंडीशन में क्या है, जो एरर है, जो डिफरेंस है वो लगातार सेम है दोस्तों, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। जो 10 माइक्रोन का, यहां भी 10 माइक्रोन, यहां भी 10 माइक्रोन, यहां भी 10 माइक्रोन, यहां भी 10 माइक्रोन और यहां भी 10, जो एरर स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के एंड पॉइंट तक दोस्तों हमारा एरर सेम है, कांस्टेंट है। तो जो हमारा ग्राफ में निकलेगा दोस्तों, ग्राफ बनेगा वो इस तरीके का बनेगा, रेफरेंस वैल्यू ये हो गई हमारी, मान लीजिए इस साइड रेफरेंस वैल्यू है और इस साइड मेजरमेंट वैल्यू है दोस्तों। दोस्तों जैसे ही हमारी रेफरेंस वैल्यू बढ़ रही है वैसे ही हमारी मेजरमेंट वैल्यू भी हमारी बढ़ रही है दोस्तों धीरे धीरे। तो जो ये डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ये क्या हो जाएगा हमारा, लीनियर हो जाएगा दोस्तों। जो कि जो हमारी कंडीशन है, लीनियर होना चाहिए हमारा इंस्ट्रूमेंट, MSC का जो हमारी कंडीशन है मेजरमेंट सिस्टम की, हमारा इंस्ट्रूमेंट लीनियर होना चाहिए और जो एरर है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। आई होप दोस्तों कि आपको लीनियर
और नॉन लीनियर बायस समझ में आया होगा। दोस्तों बात करते हैं हम स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी क्या है? इट इज द वेरिएशन इन द एवरेज ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम यूजिंग द सेम गेज एंड ऑपरेटर टू रिपीटेडली मेजर द सेम पार्ट। दोस्तों ये कह रहा है जब कोई ऑपरेटर सेम इंस्ट्रूमेंट से सेम पार्ट को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यानी कि कुछ समय बाद चेक करता है तो जो वो डिफरेंस है वो हमारा स्टेबिलिटी कहलाएगा। दोस्तों मान लीजिए हमने किसी ऑपरेटर ने यहां चेक किया और जो फर्स्ट टाइम हमने यहां चेक किया किसी ऑपरेटर ने तो एवरेज बता रहा है वो जो बेल कर्व जो आपको दिखाई दे रहा है बेल कर्व शेप में वो यहां दिखाई दे रहा है ठीक है। लेकिन उसी ऑपरेटर ने उसी पार्ट को और सेम पैरामीटर को कुछ समय बाद चेक किया एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद चेक किया सेकेंड टाइम चेक किया तो एवरेज यहां बताया दोस्तों ठीक है। जो जो ये डिफरेंस है दोस्तों ये क्या हो जाएगा हमारा स्टेबिलिटी चेक हो जाएगा दोस्तों। एग्जाम्पल दोस्तों यहाँ है मान लीजिए कोई डायमेंशन है 10 ठीक है और फर्स्ट टाइम हमने जब मेजरमेंट किया तो जो एवरेज वैल्यू बताया 9.98 ठीक है दोस्तों। जब हमने इसको सेकंड टाइम मेजरमेंट किया कुछ समय बाद तो एवरेज वैल्यू बताया 9.96। जो जो ये डिफरेंस है 0.02 mm का वो क्या हो जाएगा दोस्तों स्टेबिलिटी हो जाएगा ठीक है। अब बात करते हैं रिपीटेबिलिटी की। रिपीटेबिलिटी क्या कहता है? इट इज द वेरिएशन बिटवीन सक्सेसिव मेजरमेंट ऑफ द सेम पार्ट बाय द सेम ऑपरेटर बाय द यूजिंग सेम गेज एंड सेम पैरामीटर। ये कह रहा है दोस्तों जब कोई ऑपरेटर सेम पार्ट को सेम गेज से और पार्ट का सेम पैरामीटर बार बार चेक करता है तो जो वो डिफरेंस आएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा रिपीटेबिलिटी हो जाएगा दोस्तों। मान लीजिए ये उसने ये चेक किया ये हमारा जो आ रहा है मिनिमम आ रहा है और ये मैक्सिमम आ रहा है तो जो मैक्सिमम माइनस मिनिमम हो जाएगा डिफरेंस वो हो जाएगा हमारा रिपीटेबिलिटी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 10 mm की लेंथ को चेक कर रहे हैं ठीक है तो जो मिनिमम आया वो 9.97 और जो मैक्सिमम आया वो 10.01 ठीक है दोस्तों। तो वो जो ये मैक्सिमम माइनस मिनिमम जो डिफरेंस है वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों रिपीटेबिलिटी चेक हो जाएगा ठीक है। अब बात करते हैं हम रिप्रोड्यूसिबिलिटी की। रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या है दोस्तों? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट मेड बाय डिफरेंट ऑपरेटर बाय यूजिंग द सेम गेज एंड सेम पैरामीटर। ये कह रहा है कि जब कोई अलग अलग ऑपरेटर एक भी दो ऑपरेटर भी हो सकता है या तीन ऑपरेटर भी हो सकते हैं जब कोई अलग अलग ऑपरेटर सेम इंस्ट्रूमेंट से सेम प्रोडक्ट के सेम पैरामीटर को बार बार चेक करता है तो जो डिफरेंस है दोस्तों वो क्या हो जाएगा रिप्रोड्यूसिबिलिटी हो जाएगा दोस्तों। मान लीजिए ऑपरेटर वन पहला ऑपरेटर ये है मेजरमेंट किया तो उसका एवरेज यहां बता रहा है दूसरा ऑपरेटर है उसने मेजरमेंट किया तो उसका एवरेज यहां बता रहा है दोस्तों तो जो ये डिफरेंस है ये क्या हो जाएगा रिप्रोड्यूसिबिलिटी। मान लीजिए फॉर एग्जांपल 10 mm का लेंथ को हम चेक कर रहे हैं तो पहला ऑपरेटर जो एवरेज बता रहा है बार बार मेजरमेंट करने के बाद जो एवरेज आया वो पहले ऑपरेटर का आया 9.98 और जो दूसरे ऑपरेटर का एवरेज आया दोस्तों 10.01 तो दोस्तों जो मैक्सिमम माइनस जो मिनिमम है ऑपरेटर का जो डिफरेंस है मैक्सिमम माइनस मिनिमम इस ऑपरेटर का और इस ऑपरेटर का डिफरेंस हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा रिप्रोड्यूसिबिलिटी ठीक है दोस्तों। अगला टर्म है दोस्तों हमारा गेज R&R जो कि काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम इतना ही समझेंगे गेज R&R पे हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। और इस वीडियो में दोस्तों आपको तो अगर थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों क्योंकि लाइक शेयर करने दो तो हमारा मोटिवेशन होता है दोस्तों कि हम ये समझते हैं कि हमने जो आपके लिए वीडियो बनाया है जो टॉपिक बनाया है उसमें से आपको थोड़ा बहुत समझ में आया है दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार जय हिंद।